जो ओरिजिनल फॉग लैंप्स है उससे ये वाला फॉग लैंप छोटा है, लेकिन इंटेंसिटी में उससे ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज का वीडियो पता नहीं कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन मेरा जो हाईवे ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेरे को ज़रूरत है अच्छे फॉग लैंप्स की, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हाईवेज पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फॉग रहती है बहुत टाइम तक। और जब आप और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई एकदम वॉल होती है फॉग की, वॉल बीच में एक मतलब वो फॉग होएगी और आगे नहीं पीछे नहीं आपको पता ही चलेगा कब एकदम से इतनी सारी फॉग आ गई। तो उसके लिए हम जा रहे हैं आज करोलबाग, जो कि हमारे घर से बहुत ही पास है। और भाई आज लगवाएंगे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, जो कि मैंने बहुत नाम सुना है ऑटो म्यूज़िक बेस्ट एम्पोरियम कुछ ऐसे करके है, कोई YouTube वीडियो में मैंने सर्च किया था, तो काफ़ी लोग हैं जो उनसे लगवाते हैं और एक ब्रांड है काफ़ी अच्छा जिसकी मैंने काफ़ी रिसर्च की है, तो वहीं जा रहे हैं गाइस। देखते हैं कैसे वो लोग फिटमेंट वगैरह करते हैं, और भी कुछ काम है मेरे को गाड़ी में वो भी करवाना है, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और भाई पूरी वीडियो देखना, पूरी इन्फॉर्मेटिव होगी, और जितना हो सकेगा उतने ज़्यादा प्राइसेस मैं डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा, जितने में मैंने लगवाया वो तो मैं बताऊँगा ही, और उसके अलावा भी अगर कोई प्राइसेस ऐसे हैं जो मतलब मार्केट में पता नहीं लगता है वीडियोस देख के, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्राइसेस मैं एटलीस्ट डाल दूँ। बाकी तो बातों में भाई करोलबाग पहुँच ही गए। ओ भाई मैं सुबह आया था 8 बजे, कुछ भी नहीं था, और अभी आया हूँ तो भाई ऐसे भीड़ लगती है। तो भाई ऐसे में आ गया हूँ, और ये शॉप है ठीक है, और ये वो ब्रांड है अजूम का जिसके मेरे को फॉग लैंप लगवाने हैं। मैं भैया से फ़ोन करके पूछता हूँ भैया कहाँ पे है, कितनी देर में खोलेंगे, क्योंकि दुकान अभी बंद है। ये वाले फाइनल हुए गाइस, येलो टोन है, थोड़ा सा बायफोकल लेंस है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा है। तो थोड़ा सा येलो टोन होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा फॉग में हेल्प मिलती है, जो कि मेरा रीज़न है लगवाने का ही है। और भाई अगर एक ब्लॉग पे रोहतक में देख रहा है तो प्लीज़ ये अवेयर हो जाओ कि हाई बीम पे गाड़ी नहीं चलाते। तो इसमें अच्छा ये ब्रैकेट आते हैं जी, कहीं पे तार तो नहीं काटोगे? और ये वाले फॉग लैंप अगर वापस करूँ तो कुछ डिस्काउंट भी है क्या? वापस ले जाना चलो वापस ले जाएंगे, ये तो किसी भी गाड़ी में लग जाते हैं ना। चलो ये तो फायदा है कि किसी भी गाड़ी में लग जाते हैं, कल को गाड़ी बदलेंगे तो फॉग लैंप चेंज करके फिर देंगे। चलो और भैया वैसे खुलना शुरू होगी, तो ये इस फ्रेम के ऊपर ये वाला फ्रेम बैठ जाएगा एज इट इज, और ऐसे लगता है। काटना पड़ेगा वो एडजस्ट नहीं होगा ना सर, यहाँ पे अगर टाइट कर देंगे तो लाइट ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये चीज दिक्कत करेगी। ओके तो अब इतना पोर्शन थोड़ा सा काट रहा हूँ। अच्छा इतना आसान हो जाता है क्या कटना? ओके अब ये लाइट सही फिक्स हो जाएगी। अब ये फिक्स हो जाएगी सही। देख लो भाई प्लग टू प्लग कनेक्शन है सब कपलर। और इसको हाई बीम कैसे करोगे? हाई बीम भी कपलर में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं डब्बे को? ये ब्लास्टर होता है सर। अच्छा एक लाइट जो है ये वाली भी लगवा रहे हैं, ये वाली लाइट रिफ्लेक्टर की जगह पे, ताकि अगर फॉग में गाड़ी है तो ये यहाँ पे लग जाती है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये ब्रेक से जोड़ दोगे जी? ब्रेक है ना, ब्रेक से ही जोड़ना, इंडिकेटर से भी चलो जोड़ दो। तो ये ब्रेक के साथ भी चलेगी, इंडिकेटर के साथ भी चलेगी, पार्किंग और पार्किंग लाइट के साथ भी चलेगी, ठीक है। तो भाई अपना जो खर्चा है फॉग लैंप लगवाने में, प्रोजेक्टर फॉग लैंप अजूम के जो बाय प्रोजेक्टर है, डुअल प्रोजेक्टर मतलब हाई बीम लो बीम सब में चलेंगे,
उसका खर्चा है 18,000 रुपये। और किसी को लगवाने हैं तो भाई मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर है, तुम भी अपना आके लगवा सकते हो। जो डिस्काउंट करना होगा ऑन टेबल ये लोग कर लेंगे भाई। इसकी परफॉर्मेंस रात को ही पता चलेगी। होते हैं, अगर आपने टॉप मॉडल गाड़ी ली है तो जो फॉग लैंप्स की आपको जगह मिलती है, जो ओरिजिनल फॉग लैंप्स है, उससे ये वाला फॉग लैंप छोटा है लेकिन इंटेंसिटी में उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा कि भैया थोड़ी सी जगह छूट रही है अपना इसमें फॉग लैंप से लेके कैविटी में थोड़ी सी जगह है वो छूट रही है, तो बहुत लोगों को नहीं पसंद आती फिट एंड फिनिश। बाकी मेरे को नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है। और जो पीछे एक और लाइट लगवाई है मैंने, जिनको रिफ्लेक्टर्स की जगह पे लाइट लगती है, थोड़ा सा और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा फॉग रहेगी ना, फॉग में रेड कलर बहुत दूर से दिख जाता है, तो रादर देन स्विचिंग ऑन योर हैज़र्ड लाइट्स विच आर ओनली टू बी डन व्हेन द कार इज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन। अगर गाड़ी आपकी खड़ी है रोड के किनारे पे या सड़क के बीच में, तभी आपको अपने हैज़र्ड लाइट्स चलाने चाहिए। हैज़र्ड लाइट्स होते हैं आपके दोनों इंडिकेटर जो आप जलाते हो। बहुत लोग देखा है मैंने कि बारिश में भी ऑन कर लेंगे और फॉग में भी ऑन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हैज़र्ड की सिचुएशन में, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या फिर आपको टायर बदलना है या किसी भी कारण की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, तो आप सड़क के साइड में रुक के अपना ये वाली लाइट जला सकते हो। उसके अलावा फॉग में या बारिश में ये लाइट जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट आपका नुकसान ही होगा।